नमस्कार दोस्तों, बर्ड्स लवर्स कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप और आपका बर्ड्स सही सलामत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत आपका काम में आएगा। जो अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, इस टाइम पे मैं अपने बंगाली फिंचेस को या और जेब्रा फिंचेस है वो सबको मैं क्या सीड मिक्स देता हूँ, वही मैं आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। सर्दी का मौसम का मतलब है ये जो सितंबर के महीना आ रहा है, सितंबर से लेकर फरवरी के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने वीडियो में जो कुछ भी आपसे शेयर करता हूँ सब कुछ मैं अपने बर्ड फार्म में ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ जो मैं बताता हूँ ये सब मैं अपने फार्म में पहले इस्तेमाल करता हूँ, फिर मैं आपको मेरे वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो सीड मिक्स आपको दिख रहा है ये है बंगाली फिंचेस के लिए सीड मिक्स, यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक नहीं, मैंने बहुत सारा बना के रखा है क्योंकि ये सितंबर का महीना आ रहा है, एक ही दिन में आ जाएगा, कल से 1 तारीख है शायद। तो तब से लेकर ये नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के फरवरी तक मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसका जो कॉन्टेंट है, इसमें क्या क्या मैंने मिलाया है वो सभी आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें मिला हुआ है, आप देख सकते हो, नॉर्मली धान दिख रहा है आपको, ये जो है कच्चा वाला धान है, धूप में सुखाया हुआ, ये उबाला हुआ धान नहीं है, मतलब पैडी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ा कंगनी दाना है, ब्लैक कलर का जो थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, ये है बड़ा कंगनी दाना। छोटा दाना भी है, छोटा कंगनी दाना भी है, और एक लंबा लंबा सा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है ब्लैक सीड। ये सब कुछ मिलाया हुआ है, और भी आप कुछ देख सकते हो, ये कैनरी सीड यहाँ पर मिला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीड है ये कैनरी सीड है, ठीक है, ये कैनरी सीड भी मिला हुआ है। आप मेरे सीड मिक्स में देखिए कैनरी सीड भी मिला हुआ है। तो इसमें क्या क्या मिला हुआ, ब्लैक सीड, छोटा कंगनी दाना, बड़ा कंगनी दाना, धान और कैनरी सीड, ये 5 तरह का सीड मिक्स इसमें मैंने मिला दिया। और ये चलेगा पूरा सर्दी के मौसम तक। ब्लैक सीड जो है, ब्लैक सीड्स खास करके मैं सिर्फ सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये बर्ड को थोड़ा बहुत ऑयल प्रोवाइड करता है जिससे बर्ड का शरीर जो है अंदर से हीट रहता है, ठंड उसको बहुत जल्दी नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए मैं ब्लैक सीड इस्तेमाल करता हूँ सर्दी के मौसम में। बाकी का जो सीज़न होता है उस सीज़न पर ब्लैक सीड का इस्तेमाल नहीं होता, मैं अपने फार्म में नहीं करता, अगर करता भी हूँ तो बहुत ही कम, मतलब एकदम कम मात्रा में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये बंगाली फिंचेस के लिए था। और अगर आप सीड मिक्स बनाओगे जेब्रा फिंचेस के लिए तो इसमें से आपको धान निकाल देना है और बड़ा कंगनी दाना निकाल देना है। बाकी का जो चीज़ है, ब्लैक सीड, छोटा कंगनी और कैनरी सीड, ये तीनों सीड आप फिंचेस को प्रोवाइड कर सकते हो इस सर्दी के मौसम में, ठीक है। बस आपको बड़ा कंगनी दाना और धान जो है पैडी इसको निकाल लेना है, बाकी का जो सीड रहेगा ये आप जेब्रा फिंचेस को प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैं करता हूँ अपने फार्म में सर्दी के मौसम में। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का वीडियो का पूरा टॉपिक। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपका सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।